नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा ने खुद विपक्ष को मुद्दे दे दिए हैं। इटावा में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी उनकी पहली प्राथमिकता है। संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा समान विचारधारा वाले सेक्युलर दलों से गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं। चुनाव में अभी 5 महीने हैं, उससे पहले गठबंधन की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। शिवपाल ने भाजपा से किसी तरह का गठबंधन करने से इनकार किया है। भाजपा सरकार में विपक्ष पर मुद्दों की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को रथ यात्रा के पहले चरण का समापन औरैया में होगा। 7 चरणों में रथ यात्रा होगी। 27 नवंबर को रायबरेली में 7वें चरण का समापन होगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता रितेश यादव की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।